चलाएंगे। और ये है एक नॉर्मल सीलिंग फैन, देख सकती है, इसको हमने कन्वर्ट किया है VLDC फैन में और इसमें दो तरह की कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर है 12 वोल्ट DC प्लस, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC प्लस। तो इसमें यानी आप 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं और सोलर प्लेट से भी आप चला सकते हैं। और ये है एक कनेक्शन, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट AC, यानी इसको डायरेक्ट AC करंट से भी चला सकते हैं। तो इसको हमने नॉर्मल फैन था, तो नॉर्मल फैन देख सकते हैं, तो इसको हमने BLDC फैन में कन्वर्ट किया है। और ये है एक 12 वोल्ट का बैटरी, जैसा कि ये छोटा बैटरी है, इसको हमने बनाया है, ये 12 वोल्ट बैटरी है। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं मीटर में, तो यहाँ का इसके वोल्टेज, तो मीटर को हमने वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया है और आप इसका वोल्टेज हमने आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर में देख सकते हैं 12 वोल्ट शो कर रहा है, यानी ये जो बैटरी है हमारा 12 वोल्ट बैटरी है। और इस 12 वोल्ट बैटरी से हम चलाएंगे इस फैन को। ये सीलिंग फैन है, जैसा कि आप जानते हैं सीलिंग फैन नॉर्मली AC सप्लाई से चलता है, लेकिन आपके सामने ये फैन जो है 12 वोल्ट बैटरी से हम चलाएंगे। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हम लगा देते हैं माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में। तो यहाँ पर माइनस लाइन में हमने लगा दिया है और सबसे पहले इस फैन को हम उठा के रखते हैं, यहाँ पर उठा देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, वरना इधर उधर भागेगा और ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन को कर देंगे एक, और यहाँ पे देख सकते हैं फैन हमारा चालू हो चुका है, इसमें साउंड आ रहा है, तो ये अभी घूमेगा। तो इसको कनेक्शन को हम कर देते हैं टाइट, तो सॉरी दोस्तों कनेक्शन लगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल 12 वोल्ट बैटरी से ये फैन जो है चल रहा है। सॉरी यहाँ पर वायर हमारा टच हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, थोड़ा दूर से दिखाओ, तो ये बिल्कुल 12 वोल्ट बैटरी से चल रहा है, देख सकते हैं सीलिंग फैन। तो इसमें पंखा लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, हम आपको उठा के दिखा देते हैं। ये डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से चल रहा है, एक नॉर्मल सेलिंग फैन को हमने कन्वर्ट किया है 12 वोल्ट DC में। और ये देख सकते हैं ये रिमोट कंट्रोल भी है, और रिमोट के साथ ही आपको मैं स्पीड बता देता हूँ। जैसे कि हमने 3 दबाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साउंड करके इसका स्पीड जो है रिड्यूस हो चुका है, यानी लो हो चुका है। और इसका फुल स्पीड कर देते हैं फुल स्पीड, तो ये 6 बार साउंड करेगा और फुल स्पीड में जाएगा। तो देख सकते हैं ये फुल स्पीड में अभी चल रहा है, और इसको रिमोट में आप ऑफ करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। हम ऑन कर देते हैं, देख सकते हैं फिर से ये ऑन हो चुका है, ये डायरेक्ट बैटरी से चल रहा है 12 वोल्ट बैटरी से, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है आप देख सकते हैं। तो इसको हमने नॉर्मल सेलिंग फैन था जिसको हमने VLDC में कन्वर्ट किया है। तो VLDC में कन्वर्ट करने का यही फ़ायदा है, आप 12 वोल्ट बैटरी से भी आपको आप चला सकते हैं, और आप AC सप्लाई में अगर चलाएंगे तो ये सिर्फ 28 वाट ही करंट जो है कंज्यूम करेगा, लेकिन एक नॉर्मल फैन जो है आपका कम से कम 80 से 100 वाट तक का बिजली खपत करता है। लेकिन ये आप 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। तो आज अभी हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से चला के दिखाते हैं, इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई देके चला के दिखाएंगे। जैसा कि हमने 12 वोल्ट बैटरी से आपको चला के दिखाया है, क्योंकि एक नॉर्मल सेलिंग फैन था हमने कन्वर्ट किया है। तो अभी जो है इसको हम AC सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर हम बैटरी को रख देते हैं, और AC सप्लाई देने के लिए हम अभी इसमें ये वाला कनेक्शन जो है जिसमें 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें लगाएंगे। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा है, ये आपका लो वोल्टेज में भी हाई स्पीड से घूमेगा, और आपका बिजली भी कम से कम ये है 28 वाट बिजली से चलेगा। एक नॉर्मल सेलिंग फैन आपका 100 से 80 वाट तक का बिजली खपत करता है, लेकिन ये ओनली 28 वाट से चलेगा अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे। और इसमें अगर और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 6 स्पीड है, जैसे कि इसको हमने 4 पे अगर सेट कर दिया है, तो कम से कम ये है 4 पे स्पीड नॉर्मल एक सेलिंग फैन की तरह स्पीड घूमेगा, और लेकिन 4 पे आप चलाएंगे तो 12 से 15 वाट तक ही आपको बिजली खपत करेगा, इसको फुल स्पीड में चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दिया है, तो आप देख सकते हैं ये घूम रहा है फुल स्पीड से, और अभी ये देख सकते हैं फुल स्पीड से घूम रहा है। अभी हम 3 में दबा देते हैं तो 3 पर बीप करेगा और 3 स्पीड पर आ जाएगा, जैसे कि 6 में दबा देते हैं तो 6 बार स्पीड बीप करेगा और 6 में आ जाएगा। तो एक नॉर्मल सेलिंग फैन से दोगुना स्पीड इसका ज़्यादा है। तो अभी हम 4 पे लगा देते हैं, तो देख सकते हैं 4 पे लगाएंगे तो 4 बार बीप करेगा और 4 में घूमेगा, तो 4 में एक नॉर्मल सेलिंग फैन की तरह ही ये घूमेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये ओके हो चुका है, और इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे फंक्शन भी हैं, अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो इसको हम दो तरह से आपको चला के दिखाया है, 12 वोल्ट बैटरी से और आपका AC में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिमोट फंक्शन है जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक IR रिमोट है, सॉरी IR रिमोट नहीं, आपका वाईफाई रिमोट है, आप इसको फैन की तरफ
रख के मारने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कहीं से भी मार के इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसका स्पीड कंट्रोल देख सकते हैं और यहाँ पर 1H 4H 8H लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 1H में आप मार देते हैं इस तरह से, तो ये 1 घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। 4 में रखेंगे तो ये 4 घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। और लो है, लो में मारेंगे तो आपका स्पीड लो हो जाएगा, स्मार्ट में मारेंगे तो स्पीड आपका हाई हो जाएगा। तो ये है एक नॉर्मल सेलिंग फैन को हमने VLDC में कन्वर्ट किया है और ये बिल्कुल 12 वोल्ट बैटरी से चल रहा था, हमने आपको दिखाया है। इसमें दो तरह की फंक्शन है, आप देख सकते हैं इसके जो VLDC किट है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके सर्किट जो है PCB बोर्ड, और यहाँ से ये जो कनेक्शन है इसका कॉइल में गया है। आप ये ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप सर्च करेंगे VLDC कन्वर्शन किट अगर सर्च करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएगा। तो आप नॉर्मल किसी भी सेलिंग फैन को डायरेक्ट VLDC फैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है आप इसको डायरेक्ट सोलर प्लेट या 12 वोल्ट बैटरी से भी आप चला सकते हैं। तो ये है छोटी मोटी एक इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो कर देना। तो चलिए।